हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएसके ज्ञान। तो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M41 स्मार्टफोन के बारे में, जिसको 3C सर्टिफिकेशन पर लिस्ट किया गया है। जिसमें एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इसके अंदर हमें 6800 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M41 स्मार्टफोन की कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट के बारे में, कि इसके अंदर आपको क्या कुछ नए इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे और कब तक और कितने प्राइस पॉइंट के अंदर ये फ़ोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइन से। तो इसके अंदर आपको काफ़ी प्रीमियम ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्रॉस ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा। एंड इसके साथ ही आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप विद LED प्लस भी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल एक पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलेगा, जो कि 16 MP के सेल्फी शूटर के साथ आने वाला है। और इसके साथ ही आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसके बैक एंड फ्रंट दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन। एंड अब बात कर लेते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो इसके रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 64 MP का होगा, 8 MP का वाइड एंगल लेंस होगा, 5 MP का डेप्थ सेंसिंग सेंसर होगा एंड 2 MP का माइक्रो लेंस होगा। वहीं पर अगर बात करें इसके फ्रंट साइड की, तो इसके फ्रंट साइड में आपको 16 MP का एक पंच होल सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके प्रोसेसर को लेकर अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिल जाए। एंड अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर हमें 6800 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 30 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और हो सकता है कि 30 W का सुपर फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाए। एंड इसके साथ ही आपको मिलेगा टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक एंड NFC का सपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में इसके बेस वेरिएंट की प्राइस होगी, यानी कि 6G प्लस 64G वाले वेरिएंट की प्राइस होगी 15,000 से लेकर 20,000 रुपीज़। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक लॉन्च हो सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।